दो बाय इलेक्शन हो रहे हैं इतवार को मलीर में और कुरंगी में। तो मैं आज इस इधर शाह फैसल कॉलोनी में खड़े होकर सारे पाकिस्तान को कह रहा हूं, सारे मुल्क को मैं आज पैगाम दे रहा हूं कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुल्क का रेफरेंडम हो रहा है, ये मुल्क का फैसला होने जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एक मुल्क जो अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया था पाकिस्तान का, वो आज एक फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, चोरी करते हैं, और जब इत्तेसाब होने लगता है बाहर भाग जाते हैं, फिर डील करते हैं, एनआरओ लेके वापस आ जाते हैं, फिर लूटते हैं, फिर जब इत्तेसाब होने लगता है फिर बाहर भाग जाते हैं, एनआरओ लेके वापस आते हैं, ये अमीर तरीन होते जा रहे हैं, कौम मकरूज होती जा रही है। जब से ये आए हैं 6 महीने में, और कराची के लोगों, आप शऊर रखने वाले लोगों, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। और जब कराची की तबीयत खराब होती है तो मुल्क की तबीयत खराब हो जाती है।